ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बड़ी भर्ती 2019 के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इसी प्रकार के जॉब अपडेट्स लेकर के आता रहूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे देता हूं। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूबीआई भी बोलते हैं। जॉब टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। दोस्तों, ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। जॉब नेम फायर ऑफिसर, इकोनॉमिस्ट, सिक्योरिटी ऑफिसर, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर एंड फोरेक्स ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है। सैलरी चेक एडवर्टाइजमेंट। टोटल वैकेंसीज 181 है, यानी कि जो भर्ती निकाली गई है वो 181 पदों के लिए निकाली गई है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया के अंदर होगी। इसका मतलब ये होता है कि आप भारत के किसी भी स्टेट से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 6 मार्च 2019 है और लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 27 मार्च 2019 है। यानी कि 6 मार्च से लेकर 27 मार्च 2019 तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपको वैकेंसी डिटेल के बारे में बताता हूं, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं। फायर ऑफिसर के लिए 1 पद है, इकोनॉमिस्ट के लिए 6 पद है, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 19 पद है, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर के लिए 15 पद है, क्रेडिट ऑफिसर के लिए 122 पद है और फोरेक्स ऑफिसर के लिए 18 पद है, जो कि कुल मिलाकर के हो जाते हैं 181 पद। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इन पोस्ट प्रावधान करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तो आप इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अभी जानकारी नहीं आई है। जैसे ही मुझे पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एज लिमिट, दोस्तों मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 37 ईयर होनी चाहिए। यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 18 साल से लेकर 37 साल के बीच में होगी वो लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, दोस्तों सिलेक्शन की बात की जाए तो आपका सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर कर ले तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाओगे, ऑफलाइन माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते। दोस्तों, अब जान लेते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे में, यानी कि आप इस भर्ती में कैसे आवेदन कर पाओगे। दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in। इसके बाद आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके। और जैसे ही आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आपको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। और जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि अनाउंस किया गया है। इसके बाद दोस्तों, आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है और उस पेज पर चले जाना जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है और आपको अपने फॉर्म के अंदर सभी जानकारी भर देने जो कि वहां पर मांगी गई हो। साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर के साथ में। इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देनी है और ये सब करने के बाद आपने जो डिटेल्स भरी है वो आपको एक बार फिर से चेक कर लेनी है कि कहीं पर आपके द्वारा कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको उसके वहीं के वहीं क्लियर कर लेना है, क्या पता आपको दोबारा फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन न दे जाए। तो इसलिए बेहतर यह है कि आपको अच्छे से एक बार अपने डिटेल्स चेक करके ही फॉर्म सबमिट करना है। दोस्तों, फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं आपको एक बार फिर से सजेस्ट करूं कि आप एक फोटोकॉपी जरूर ले लें, जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगी। दोस्तों, अब जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जो जानकारी मैंने आपको अभी दी है वो इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर दी जा रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं और कौन सी पोस्ट किस ग्रेड के अंदर आती है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पे स्केल यानी कि सैलरी के बारे में जब मैंने आपको जानकारी दी तो मैंने आपसे बोला कि चेक एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हो सैलरी के बारे में एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आप अगले पड़ाव तक जाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, या फिर अगर इसके बारे में कोई और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको उसके बारे में भी नोटिफाई कर दूंगा और आपको बाकी जो जानकारी कुछ रह गई है वो जानकारी भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप यहां पर देख सकते हो कि आप कल से इसमें आवेदन करना शुरू कर सकते हो, यानी कि 6 मार्च 2019 से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, जो कि अभी एक्टिवेट नहीं होगा, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। वो मैं आपको इसलिए देने वाला हूं क्योंकि आप में से कुछ लोग जो मेथड मैंने आपको अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन लिंक तक जाने का बताया, कुछ लोग उसके माध्यम से नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो संबंधी कोई सवाल पूछना हो या आपको कोई सुझाव देना हो या आपको किसी भी प्रकार का सवाल या कुछ भी पूछना हो तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि उससे आपको आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। तेरी